बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्यूवनएस टीवी में आप सभी का खैर मकदम करते हैं। मैं हूं शेख तारिक, एक और अहम अपडेट लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। आपको बता दें कि 17 अप्रैल 2023 को शबे कदर मनाया जाएगा, आप बाखूबी जानते भी हैं। लेकिन अगर बात की जाए, इस बीच एक और अहम अपडेट आप तक पहुँचाने जा रहा हूँ। आपको बता दें कि 17 अप्रैल 2023 को जहाँ शबे कदर मनाया जाएगा, वहीं पर अब जम्मू कश्मीर में 17 अप्रैल 2023 को सभी गाड़ियां बंद रहेगी। जम्मू कश्मीर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की जानिब से ये कॉल दी गई है। आपने बाखूबी क्यूवनएस टीवी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कुछ ही वक्त पहले देखा होगा, जब जम्मू कश्मीर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की जानिब से जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दी जाती है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये कहा गया था कि जम्मू कश्मीर में 17 अप्रैल 2023 को चकाजाम रहेगा, चाहे वो जम्मू से लखनपुर हो या फिर कश्मीर से उड़ी हो। उसके बाद ये कहा जा रहा था, हो सकता है जो कॉल दी गई है उस वक्त जो है वहाँ पर पता नहीं होगा कि 17 अप्रैल को शबे कदर मनाया जाएगा। इस कॉल को हो सकता है वापस लेके पोस्टपोन किया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। जहाँ जम्मू में प्रेस कॉन्फ्रेंस दी गई, 17 अप्रैल की कॉल दी गई, वहीं पर अब कश्मीर में भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दी जाती है। कश्मीर में जब प्रेसिडेंट की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस दी जाती है, उन्होंने कहा कि 17 अप्रैल 2023 को हमें मालूम है कि शबे कदर मनाया जाएगा, लेकिन उसके बावजूद भी हम जम्मू कश्मीर में चक्का जाम की कॉल दे रहे हैं। उसके बावजूद भी जम्मू कश्मीर में गाड़ियाँ पूरी तरह से बंद रहेंगी, पूरा चक्का जाम रहेगा। आखिरकार ऐसा ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से क्यों किया गया, क्यों ऐसा कदम उठाया गया? जब ट्रांसपोर्टर से बात की गई, उन्होंने कहा कि हमारी कुछ मांगे थी जो एलजी इंतजामिया की जानिब से नहीं सुनी गई, उसी को मद्देनजर रखते हुए हमने एलजी इंतजामिया को जगाने के लिए 17 अप्रैल 2023 को चक्का जाम की कॉल दी है। और हमें यह भी मालूम था कि 17 अप्रैल 2023 को शबे कदर मनाया जाएगा और अवाम को मुश्किलातों का उस दिन सामना करना पड़ेगा। हम अवाम से माफ़ी भी मांगते हैं। लेकिन उसके बाद मैं आपको बता दूं कि जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस दी जाती है, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब पूछा जाता है कि आप क्यों 17 अप्रैल को चक्का जाम रखना चाहते हैं, इस दौरान इन्होंने कहा कि कोरोना वायरस से पहले की बात करें, जब पासिंग टैक्स जो है एक गाड़ी ड्राइवर्स को, एक गाड़ी मालिक को 1,000 रुपये भरना पड़ता था, लेकिन वहीं अगर अब बात की जाए कोरोना वायरस के बाद, अब जो है पैसेंजर टैक्स 8,300 रुपये मिनी बस को भरना पड़ता है और वहीं पर 13,600 रुपये बड़ी बसेस का टैक्स भरना पड़ता है। इसी को लेकर, पैसेंजर टैक्स को लेकर वहां पर ट्रांसपोर्टर्स परेशान नजर आ रहे थे, इसी को लेकर ये कदम उठाया गया। वहीं पर ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से ये भी कहा गया कि अब एलजी इंतजामिया की जानिब से ये कहा गया, जो पैसेंजर टैक्स आपको लागू हुआ है 1 तारीख से जो है, 1 अप्रैल से इसको जो है वेबसाइट्स पर भी चढ़ा दिया गया है, जब तक आप पैसेंजर टैक्स ना भरेंगे तब तक आपकी फिटनेस हो, आपका परमिट हो, आपका इंश्योरेंस हो, वो रिन्यू नहीं किया जाएगा। वहीं पर ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से ये कहा जा रहा है कि हमने कई बार ये आवाज़ उठाई कि जो पैसेंजर टैक्स है वो साल के आखिर में जो है हम भरेंगे, लेकिन एलजी इंतजामिया की जानिब से ये कहा गया कि पैसेंजर टैक्स जो है ट्रांसपोर्टर्स को सबसे पहले भरना पड़ेगा, उसके बाद जो है वो अपनी गाड़ी चला सकता है। तो इसी को लेकर आज पहला मुद्दा जो है ये ट्रांसपोर्टर्स का। दूसरी अगर बात की जाए, ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से ये कहा जा रहा है कि हमारे जो फिटनेस है गाड़ियों की, या फिर अगर गाड़ियों के इंश्योरेंस है, गाड़ियों के परमिट हैं, वो जो है आज रिन्यू नहीं किए जाते हैं। उसमें भी ये कहा जाता है कि आप पहले पैसेंजर टैक्स भरें। और साथ में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस दी गई, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जम्मू कश्मीर आरटीसी गाड़ियों को लेकर भी बातचीत की गई। एलजी इंतजामिया की जानिब से भी के काम, जो ट्रांसपोर्टर्स के काम नहीं किए गए, उस पर सवाल उठाए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्टर्स को काफ़ी मुश्किलातों का इस दौरान सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से 17 अप्रैल 2023 को जम्मू कश्मीर में चक्का जाम रखना पड़ा। वहीं पर एक बार फिर से मैं बता दूं कि ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से ये भी बताया जा रहा कि हम अगर चक्का जाम नहीं करते, हम अगर गाड़ियां बंद नहीं करते 17 अप्रैल 2023 को जो कॉल दी गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी गाड़ियां जो है खुद ब खुद पर डे
2000 गाड़ियां जो है वो खड़ी की जा रही हैं। एक दिन में 2000 गाड़ियां जो है वो बंद की जाती है, खड़ी की जाती है, क्योंकि उनके कागजात जो है वो रिन्यू नहीं किए जा रहे हैं, क्योंकि वो पैसेंजर टैक्स जो है नहीं भरा जा रहा है। उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि जब तक हम पैसेंजर टैक्स ना भरेंगे तब से तक जो है गवर्नमेंट की जानिब से ये कहा जा रहा है, एलजी इंतजामिया की जानिब से ये कहा गया कि तब तक आपके जो है कागजात रिन्यू नहीं किए जाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं इस चक्का जाम की वजह से आवाम को मुश्किलातों का सामना करना पड़ता। आपको बता दें कि जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस दी गई इसमें एक और फैसला लिया गया, अहम फैसला ये माना जाता है, क्योंकि शब जो है वो मनाई जाएगी। अब ये कहा जा रहा है कि सुबह से लेकर शाम 6 बजे तक जो है ट्रांसपोर्ट पूरा बंद रहेगा, उसके बाद जो है ट्रांसपोर्ट जो है 6 बजे के बाद खोला जाएगा। जो लोग मस्जिदों में या मजारतों पर जाएंगे, जो शब के लिए जाएंगे, उनके लिए जो 6 बजे के बाद जो है गाड़ियां खोल दी जाएंगी। लेकिन अगर बात की जाए, सवाल ये भी उठ रहा है कि ट्रांसपोर्टर्स को नहीं चाहिए था कि मुस्लिम का एक बड़ा दिन, बड़ा त्यौहार, बड़ा दिन के तौर पर मुस्लिम इस दिन को मानते हैं, शब गदर को मानते हैं, उसके बावजूद भी इस दौरान इस दिन जो है गाड़ियाँ बंद रखी गई, तो उसी को लेकर बड़े सवाल उठते हैं ट्रांसपोर्टर्स पर। तो वहीं पर अब ये भी देखने को मिला, अगर बात की जाए जम्मू कश्मीर की, जहाँ पर मुस्लिम लोग इस दिन के लिए तैयारियाँ करते हैं, इस दिन जो है सामान की खरीदो फरोख्त के लिए मार्केटों में जाना पड़ता है, दूर दराज के लोग जब मार्केट में आते हैं उनको ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन उसके बाद बावजूद भी जो है ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से बंद की कॉल दी गई है। अब ये सवाल उठता है, क्या ट्रांसपोर्टर्स को नहीं चाहिए कि 17 अप्रैल की डेट पोस्टपोन कर दी जाए, ताकि आवाम को मुश्किलातों का सामना न करना पड़े, ताकि आवाम जो है शब गदर का दिन अच्छे से मना सके। ये बड़ा सवाल उठता है, आपकी राय जानना चाहेंगे, आप क्या कहना चाहेंगे इस अपडेट पर, आपकी क्या राय है, आप ज़रूर जो है सोशल मीडिया क्यूवनेस की सोशल मीडिया पर आप जो है ज़रूर कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। फिलहाल के लिए एक बार फिर से मैं बता दूं कि 17 अप्रैल 2023 को जहां शबे कदर मनाया जाएगा, वहीं पर अब जम्मू कश्मीर में चक्का जाम की कॉल दी गई है और ये कॉल बरकरार रहेगी, और ये इस दिन जो है 17 अप्रैल 2023 को पूरा जम्मू कश्मीर बंद रहेगा। मजीद जो भी अपडेट आएगी वो हम बताएंगे क्यूवनेस टीवी पर। फिलहाल के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत क्यूवनेस टीवी के लिए। कश्मीर स्टूडियो से शेख तारिक को खुदा हाफिज।